उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। हर कोई अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने लगा है। ऐसे में यूपी में अब्बा जान को लेकर अभी सियासत थमी नहीं थी कि अब चचा जान की भी एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चचा जान बताया है। राकेश टिकैत ने मेरठ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम हैं। ना ना अब्बा जान कहा, हमने कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया। बीजेपी का भाई बाहर से मेहमान आया तो उनके लिए तो चाचू जान ही है ना। बीजेपी का चाचू जान आ गया उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद करेगा, ये कहा हमने। ये ओवैसी है, वहां से कहीं आंध्र प्रदेश से आ गई ये। नहीं नहीं हमें नहीं पता भाई कौन अब्बा जान के, हमने तो इसका बताया गया चाचू जान है बीजेपी वालों का, उनकी मदद करेगा और उसके सम्मान में। तो इन्होंने अगर चाचू जान उसे कह दिया तो कोई ऐतराज हो रहा है तो मेहमान नवाजी तो करनी चाहिए ना भाई। जिसकी सरकार है वही तो मेहमान नवाजी करेगा। किस तरीके से मदद करेंगे? पता नहीं, गांव के लोग कह रहे थे कि ये तो बी टीम है बीजेपी की। बी टीम है तो चाचू जान है, तो ए होता तो ताऊ होता, ताऊ जान होता बी है तो चाचू जान है, उनसे छोटा है ये। और तो छोटे को तो चाचू जान तो कहते हैं, को पढ़ा लिखा कोट पेंट वाला हो सा अंकल जी कहते हैं, तो ये अंकल जी वाला तो है जी। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा किसान आंदोलन को गदर की संज्ञा दिए जाने पर भी पलटवार किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन है और गदर में तो मारकाट होती है और हरियाणा सरकार ने ही किसानों के लिए रास्ते बंद किए थे। भाई तो गृह मंत्री भाई वो कुछ भी दे सके, गदर तो नहीं इसको कह सकते। गदर में तो मारकाट होती है, गदर तो 47 के बाद नहीं हुई है। ये तो आंदोलन है किसानों का और रास्ते तो हरियाणा सरकार ने रोके थे जब ये लोग दिल्ली आ रहे थे, उन्होंने ही सड़कें खोदी थी। ये तो भारत सरकार ने जो कानून लेकर आए कृषि के, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। उसमें हरियाणा सरकार के भाई अगर उनकी बात चलती हो तो बात करवा दो, हमारा जो इशू है उसको सोल्व करो। बड़ा किसान है कहाँ है, यहाँ तो सारे जो छोटे किसान है, हाँ तो सारे छोटे किसान है, बड़ा कहाँ है किसान है यहाँ भाई। सीलिंग एक्ट लग गया हुआ है यहाँ पे, पता नहीं वो तो वही बताओगे कौन है। दो किसान वे उनके व्यापारी, वे उनके व्यापारी हैं जोड़ सा 20,000 क्विंटल गेहूँ धान बेचते हैं। छोटा किसान तो वही 10-15-20 क्विंटल अपना बेचता है, मंडियाँ खत्म कर देंगे वो सस्ते में और बेचने लगेगा। MSP पे गारंटी नहीं है। ये तो पहले से नारा लगता था जब मेरठ में धरने चलते थे, जब भी लगता था ये हर हर महादेव अल्लाह अकबर ये सब चलते थे वहाँ पे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कंकड़खेड़ा निवासी शहीद मेजर मयंक के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद मेजर मयंक को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों का भी हालचाल जाना और हर परिस्थिति में साथ देने की भी बात कही। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।